हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल कुक विद ममता में। आज मैं किचन के कुछ यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है ये आपको पसंद आएंगे। फर्स्ट टिप है, जब भी हम कोई मुरब्बा यूज करते हैं तो मुरब्बे का फल या सब्जी लाइक सेब, गाजर, बेल, आंवला तो हम यूज कर लेते हैं, और उसका रस या चाशनी जिसमें मुरब्बा सुरक्षित रहता है वो बच जाता है। अब इसका क्या करें, आप इसका बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक शरबत बना सकते हैं। एक गिलास में 2 बड़े चम्मच मुरब्बे की चाशनी का रस डालें, आधा गिलास इसमें पानी डालें और थोड़े आइस क्यूब इसमें डालकर इसे मिक्स करें और स्वादानुसार काला नमक इसमें डालें और ये भुना जीरा पाउडर डालें और थोड़ी काली मिर्च ऐड करें और इसको मिक्स करें। स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मुरब्बे से कहीं ज़्यादा तरावट ये देगा और पौष्टिक तो ये है ही। नेक्स्ट टिप है, कभी कभी हमें जल्दी में कचौड़ी बनानी होती है, कोई मेहमान आ जाए या फिर दाल भिगोने का याद ना रहे, ऐसा होने पर हम क्या करें। इसके लिए हमें इस तरह की उड़द की दाल की बड़ी घर में रखनी होगी। इन्हें आप बाजार से भी ले सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं। और जब कचौड़ी बनानी हो तो इन बड़ियों को थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर लें, इस तरह से सारी बड़ियों को क्रश कर लें और क्रश करके इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दें। 10 मिनट में ये फूल जाएंगी। ये मैंने 10 मिनट पहले भिगोकर रखी थी। अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पिट्ठी तैयार हो गई है। अब चाहे तो आप इसे कचौड़ी में स्टफ करके बनाएं या फिर आटे में मलकर इसको बनाएं। इसमें सारे मसाले मिलाकर इसकी कचौड़ी बना लें। नेक्स्ट टिप है हरी मिर्च को लेकर। हरी मिर्च को हम कैसे स्टोर करें कि वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहे, उसके लिए हमने हरी मिर्च को धोकर अच्छे से सुखा लिया है। इसको हमने कपड़े से भी पोंछ लिया है। अब हम इनकी सारी डंठल हटा देंगे, इस तरह से इनकी डंठल तोड़ेंगे। सारी मिर्च की डंठल को हमने तोड़ दिया है और अब इन्हें इस तरह के एक जिपलॉक बैग में रखेंगे। जिपलॉक बैग में रख के इनकी सारे एयर निकाल देंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे, इसे फ्रिज में रख देंगे। ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेंगी। ये देखिए मैंने 20-25 दिन पहले फ्रिज में रखी थी और ये अभी तक बिल्कुल फ्रेश हैं। नेक्स्ट टिप है बच्चों के लिए, जब हम गिलास में दूध या अन्य कोई ड्रिंक करते हैं, बच्चे जल्दी से नहीं पीते हैं, आनाकानी करते हैं, तो आप गिलास को हमेशा कटोरी में करके रखें, इससे गिलास सेफ रहता है और हाथ लगने से गिलास लुढ़केगा नहीं। फ्रिज में भी इसी प्रकार से रखें, एक कटोरी से इसे ढक दें। को लेकर है, जब हम भिंडी काटते हैं तो ये चाकू में बहुत चिपकती है, तो अब की बार जब हम भिंडी काटेंगे तो चाकू में ये नींबू का रस इस तरह से लगा लेंगे और अब इस तरह से भिंडियाँ काटेंगे तो ये कोई भी चाकू में नहीं चिपकेंगी। बिना चाकू में चिपके भिंडियाँ हमने काट ली हैं। नेक्स्ट टिप किचन के ड्रेनेज को लेकर है। आप किचन की ड्रेन में इस तरह की नेट जरूर लगाएं, ये किसी भी मशीनरी स्टोर या क्रॉकरी स्टोर पर मिल जाएगी। इसको लगाने से होगा क्या कि किचन में जो भी थोड़ा बहुत धनिया पत्ती, दाल, सब्जी वगैरह के पीसेस वगैरह है वो नाली में नहीं जा पाएंगे और आपकी नाली चोक होने से बच जाएगी। नेक्स्ट टिप है, कभी हम कोई मिष्ठान वगैरह बनाते हैं तो इलायची छीलते हैं, तो दाने तो हम यूज़ कर लेते हैं बट छिलके बच जाते हैं, तो इन छिलकों का हम क्या करें। इन्हें आप चाय की पत्ती में इस तरह से डालकर रखें और चाय बनाते समय इनका यूज करें, इससे चाय में एक अच्छा सा फ्लेवर इलायची का आ जाएगा। फिर रेनी सीजन में अक्सर बिस्कुट, कुकीज या रस्क सील जाते हैं, तो उन्हें आप वेस्ट ना करें। गैस ऑन करके एक नॉन स्टिकिंग तवा इस पर गरम करें। गरम तवे पे ये बिस्किट या कुकीज रख दें और फ्लेम लो कर दें। 1-2 मिनट गरम करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और इन्हें पलट दें। इस तरह से सबको पलट दें। सारे बिस्किट्स को मैंने पलट दिया है और अब तवा गर्म रहने तक इनको इसी में रखा रहने देंगे। आप देखेंगे कि बिस्किट दोबारा से कुरकुरे हो गए हैं। अब इन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ किचन टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि ये किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। आप भी इन्हें ट्राई करें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।